बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास से आज हम मैट्रिक्स की थोड़ी सी बेसिक्स के बात कर लेते हैं। ये वैसे मैंने क्लास में जिक्र किया है, लेकिन मैं जस्ट कि कुछ लोगों को वीक होती है, पिक नहीं कर रहे होते, तो मैं जरूर रिकॉर्ड कर देता हूँ, वो बार बार देख के ये कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन की बात की जाए तो ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। अच्छा, जहां तक एडिशन की बात की जाए, एडिशन ये होगा कि जो रिस्पेक्टिव एंटिटीज हैं वो ऐड होंगी। यानी एक मैट्रिक्स है, उसके पहले नंबर जो एंटिटी है वो प्लस या माइनस होगी दूसरे मैट्रिक्स के भी पहले पे, और ये उस वक्त होगा जिस वक्त इनका ऑर्डर सेम हो। ये अगर 2x2 है तो ये भी 2x2 हो, ऑर्डर सेम हो, और फिर रिस्पेक्टिव एंटिटीज़ जो हैं वो ऐड होंगी। इस एग्जांपल के तौर पे देखें तो मैं ये बुक पे ले जाता हूँ आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 3 है एडिशन सब्ट्रैक्शन की। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 1 0 3 -1 0 2 4 4 -2 7 0 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास -4 3 5 1 2 2 0 -1 3 2 -4 5, इसका अगर देखा जाए ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितनी है 3। ये देखिए ना, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तीन रोज हैं, और कॉलम देखे जाएँ 1 2 3 4, 3x4 है इसका। और बी का अगर ऑर्डर देखा जाए तो बी का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, थ्री रोज हो गई, 1 2 3 4, 4 कॉलम। तो ये इसका ऑर्डर भी 3x4 है। जब इनके ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अगर इनको ऐड किया जाए ए प्लस बी, इसमें होगा ये कि जो पहले नंबर पे यहाँ एलिमेंट है और पहले नंबर यहाँ एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करें, 2 -4, क्या आएगा आंसर, -2। इस तरह आएगा ये। जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 1 और 3 4 आ गया। इस तरह 0 और 5 5 आ जाएगा, 3 + 1 4, -1 + 2 1, 0 + 2 2, 2 + 0 2, 4 + -1, यानी 4 में से 1 चला जाएगा, 3, 4 + 3 7, -2 और +2 0, 7 - 4 3, 0 + 5 5। ये बेसिकली ए प्लस बी है। और ए माइनस बी की बात की जाए, अब ये होगा कि आप पहली में से ये वाली निकाल देंगे। अगर उसकी बात की जाए, अगेन उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, और रिस्पेक्टिव एंटिटीज़ जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी। ऐसे 2 -4, यानी अगर मैं पहली एंटिटी का, अगर मैं ये जो आया है, ये आया कैसे, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो पहले है 2 -4, इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2, ये वाला माइनस, इस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये माइनस सिंबल मल्टीप्लाई हो रहा है इस माइनस सिंबल से, तो -(-+4), तो ये क्या आ जाएगा, 6, इस वजह से यहाँ 6 आया। इस तरह अगर ये देखा जाए 1 -3, तो इसका आंसर 1 - 3 -2, ये -2 आ गया। इस तरह 0 - 5 - 5, 3 - 1 2, -1 - 2 - 3। अच्छा, -1 - 2, इसमें ब्रैकेट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में क्या होता है कि सिंबल वो लिख देते हैं और इन दोनों को एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे 1 + 2 होता, यानी प्लस प्लस ये होता, +1 + 2
तो एक दफ़ा सिंबल लिख लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके ये आंसर दे देते हैं। अगर डिफरेंट हो, सिंबल डिफरेंट हो, यानी -1 है, +2 है, इसमें क्या होगा, जो बड़ा है उसका सिंबल आ जाएगा, इन दोनों को आपस में इन दोनों का फ़र्क लिया जाएगा, डिफरेंस लिया जाएगा, 2 - 1 गया 1। और अगर केस ये होता 1 - 2, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, माइनस, तो इसलिए माइनस सिंबल आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो ये मैंने 4 केस बता दिए कि -1 - 2 किसके इक्वल आएगा, सिंबल एक दो लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, +1 + 2 + 3 आ गया, -1 + 2 + 1 आ गया, ये +1 - 2, इसमें बड़ा सिंबल माइनस का था इसलिए माइनस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लिया 1 आ गया। तो ये मैंने चारों जो पॉसिबल केस थे वो समझा दिए, इससे रिलेवेंट जो चीज़ें हैं वो आप अब कर सकते हैं। अच्छा, ये वैसे बहुत बेसिक कंसेप्ट था, ये बताने के बाद मैं ये चीज़ें रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, कहाँ तक हम पहुँच गए थे, आई थिंक -1 - 2 ये हो गया था, 0 - 2 - 2 आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2, 4 में से, अच्छा ये अब एक ये अच्छी चीज़ है, 4 - -1, अब ये वाली ब्रैकेट मतलब इन सिंबल की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये 4 + 1 यानी 5 बन जाएगा। तो आप अगर देखते हैं, ये 4 था, ये -1 था, तो इन दोनों की जब सब्ट्रैक्शन की तो +5 आ गया। इसी तरह 4 - 3 - 1, -2 - 2 - 4, यानी ये इस तरह है, -2 - 2, ये इंटू नहीं है, -2 इन, यानी इस तरह नहीं है ये, अगर ये इस तरह होता तो उसका आंसर आता था +4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4, और -, -, +, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ जो है वो इस तरह है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि दोनों माइनस के सिंबल हैं, एक दफ़ा आप सिंबल लिख लें, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, -4, तो इस वजह से ये -4 आ जाएगा, यहाँ -2 - -2 - 4, 7 - -4, तो -, -+, 7 + 4 - 11 आ जाएगा, और इसी तरह 0 - 5 - 5 आ जाएगा। तो इस तरह ये एडिशनल आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह a + c नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और ऑर्डर सेम ना होने की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होगा कि जो एंटिटी है वो तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे ये c * a एवरी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये स्मॉल जो है ना ये एलिमेंट के लिए है, और ये वाला मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए है, शो करने के लिए है। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की, जैसे स्केलर मल्टीपल, अगर हमारे पास a हो 2 - 3 - 4 - 1 - 3 - 1, अच्छा इसका ऑर्डर की बात की जाए, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, तो 2 बाई 3 आ जाएगा इसका आंसर। स्केलर मल्टीपल करना है ऑफ 2 2 a 2 a, का मतलब ये होगा कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी 2 a इक्वल होगा 2 * a, 2 - 3 - 4 - 1 - 3 - 1, तो होगा क्या, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को इस 2 से, 4 इस 2 को, फिर अगेन हर एंटिटी से ये 6 हो जाएगा, 2 * 4 - 8, 2 * 1 - 2, 2 * 3 - 6, 2 * 1 - 2, तो यही आंसर यहाँ आया। इस तरह -1 से करेंगे तो रिस्पेक्टिव एंटिटीज़ को तमाम को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सही आंसर आ जाएगा। इस तरह 1/3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 1/3 से, ये मैं कर देता हूँ आपके लिए, कि सी हमारे पास अगर ये हो तो 1/3 ऑफ सी इक्वल आ जाएगा 1/3 - 9 - 3 - 6 - 0 - 3 - 12। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 * 1/3 - 6 * 1/3 - 3 * 1/3। अच्छा, ये कुछ लोगों को थोड़ा लेंथी लगता है कि ये बार बार हर एक से मल्टीप्लाई करना, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, मुझे कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे आएगा आंसर, आप ये स्टेप ओमिट कर दें,
डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें तो बेसिकली 1/3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल 3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये 3 से ये 1 आ जाएगा, ये 0 का 0 और 12 × 1/3 का मतलब 4, यही आंसर है। हम देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, प्रोडक्ट जो है ये, इसमें प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ देख लें बुक में से, ये वाली चीज़, ये वैसे मैंने समझाई भी थी कि प्रोडक्ट के लिए क्या होता है m×r और दूसरे का होना चाहिए r×n, तो ये इनर वाले ही इक्वल होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, यानी पहले का कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ सेकंड की रो के, ये मतलब गोल्डन रूल है इसका मल्टीप्लिकेशन का। तो a इंटू बी करना है तो वो पहले के कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरे के रोज के, यानी इनसाइड वाला इक्वल होना चाहिए, और आखिर में जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसकी जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो होगा m×n, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल मुझे यहाँ कोई मिल जाती है तो मैं दिखा देता हूँ आपको सिंबल के अलावा, सिंबल में थोड़ा ये जैसे है। अब ये अगर देखा जाए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर पहले वाले का, दो रो हैं 3 कॉलम है, 2×3 आ जाएगा, और इसका अगर ऑर्डर बात कीजिए 1×3 रोज हैं × 1, ये सेम हो गया इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आखिर में जो आएगा उसका रिजल्ट 2×1 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, सॉरी ये मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, अब इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि 1×1 ये मैं लिख देता हूँ, यानी जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो आंसर क्या आएगा, वो आएगा कुछ इस तरह 1×1 प्लस 2×-1 प्लस 4×7। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ एक और कॉलम होता तो फिर ये यही रहती रो, और यहाँ से कॉलम अगर दूसरा आता तो दूसरे कॉलम के लिए हम दरमियान स्पेस छोड़ के यहाँ लिखते 1×2 जो दूसरे कॉलम का होता, ठीक है, वो है नहीं तो इसलिए अभी 1/ इस पर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब क्या है, अब नीचे वाली इसको जब इसको करेंगे 2×1 प्लस 6×-1 प्लस 0×7, ये हो गया 1 − 2 प्लस 28, ये आ जाएगा 2 − 6 प्लस 0, ये आ जाएगा 28 में से 2 गया 26 और प्लस ऐड कर देंगे 27, और −6 + 2 − 4, यही इसने आंसर निकाला। और अगर फर्ज करें ये हो, इसमें क्या होगा, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको भी मैं कर देता हूँ। अच्छा ये आप अपने हाथ से भी गुजारिएगा, मैं जो कर रहा हूँ ये अब खुद आप प्रैक्टिस करेंगे तभी फ़ायदा होगा, मैथ है ही प्रैक्टिस का नाम, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे खुद रजिस्टर पे करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। मैं यहाँ समझाते हुए बड़े बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, एग्ज़ाम में थोड़ा सा लेवल अप होगा। अच्छा अगर इसकी बात की जाए नीचे वाले की, इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन की जाए तो फिर क्या होगा, जी फिर ये होगा कि पहली रो पहला कॉलम यानी 1×4 क्या आंसर आएगा। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दूँ बजाय इस तरह लिखने के 1×4 प्लस 2×0 प्लस 4×2, ये मैंने थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इसको मैं यानी इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, ये 4 आ जाएगा प्लस 0 प्लस 8, मैं डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लिख रहा हूँ, ये वाली अब जो स्टूडेंट करना चाहे वो कर ले,
और अगर कोई डायरेक्ट जानता है तो डायरेक्ट भी लिख सकता है, मुझे इससे कोई इशू नहीं, मार्क्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग फिर भी चेक हो रही है। अच्छा जिस वक्त अगर मैं ये करता हूँ, अच्छा ये तो आ गया पहले का, अब यहाँ दूसरी नहीं है तो ये नीचे कोई रो नहीं बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम पे जब जाएंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ नेक्स्ट कॉलम के लिए, ये 7 है नज़र आ रहा है। अच्छा ये आ जाएगा 1 इंटू, ये इसी तरह रहेगा, 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -1, तो ये बेसिकली -2 हो जाएगा, ये प्लस की बजाय इधर माइनस कर देता हूँ, 1 -2, और फिर आएगा 4 इंटू 7 28, प्लस का 28। इसे अगले, क्योंकि ये आ गया, ये करेंगे तो फिर आ जाएगा जी 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 प्लस का 6, 4 इंटू 5 20, फिर आएगा 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 12, ये हो जाएगा 26 यानी 27, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 13, तो देखें यही आंसर आया है। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है, इस तरह ये एग्जांपल है, इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल कुछ करा ली, तो आप लोगों से मुझे रिक्वायर्ड जो है एक नेक्स्ट कंसेप्ट, वैसे ये हम कंसेप्ट यूज़ कर चुके हैं कि जो आपके ये थे A11 A12, यानी जो रो थी उसको हम कॉलम वाइज लिख दें, इस रो को अगर हम कॉलम वाइज लिख दें तो इस चीज़ को ट्रांसपोज कहते हैं, इस चीज़ को ट्रांसपोज, ये हम वैसे अप्लाई कर चुके हैं। सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लें तब भी वो सेम रहती है, यानी अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए वो इक्वल आ जाए उसी के जो आपकी बेसिक थी, सॉरी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो फिर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ये भी हम क्लास में जिक्र कर चुके हैं। अच्छा एक और कंसेप्ट होता है ट्रेस, ट्रेस होता है कि आप डायगोनल में जितने भी हैं वो कर लें, और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक नहीं है तो अनडिफाइन होगा ट्रेस। जैसे फर्ज करो ये है ना, इसकी ये डायगोनल है 1 + 7 + 6, क्या बनेगा 14, तो 14 इसका ट्रेस आएगा, ट्रेस जो है वो 14 होगा इस केस में। इसी तरह नीचे एग्जांपल इसने इसके बाद दी है कि अगर हमारे पास ये है तो इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी TRB -1 + 5 + 7 + 0, तो ये 12 में से एक गया 11, तो 11 आपका आंसर है, तो इसे ट्रेस कहते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ से मैं कुछ आपको असाइन कर देता हूँ, ये वाला आपने ना सॉल्व कर लेना है। ठीक है ये सॉल्व करना है, प्लस यहाँ आप फाइंड कीजिएगा एक और चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वो प्रोडक्ट ऑफ DE और प्रोडक्ट ऑफ ED, ये फाइंड करना है, बाकी चीज़ें स्केलर वगैरह थी प्लस ये दो, और ये आपकी असाइनमेंट है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, मेरा ख्याल है ये लेक्चर आपको काफ़ी इजी फील होना चाहिए बिकॉज़ इट इज़ वेरी इजी। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।